गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स दिस इज खुशबू अग्रवाल टूडे वी विल स्टडी अबाउट विटामिन न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है कैसे वर्क करते हैं वो हमारे लिए विटामिन आर इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी विटामिन जो होते हैं वो हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं होते हैं दे हेल्प इन कीप कीपिंग अवर आईज बोन्स टीथ एंड गम्स हेल्दी ये क्या करते हैं हमारी आईज को बोन्स को टीथ को और गम्स को हेल्दी बनाए रखने का काम करते हैं दे ऑल्सो हेल्प एंजाइम्स टू डू देअर वर्क ये जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं उन सबको वर्क करने के लिए में भी हेल्प करते हैं दे आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर यूटिलाईजेशन ऑफ अदर न्यूट्रियट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स जो हमने प्रीवियस वीडियोज में न्यूट्रिय पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन्स ये इनका इनको यूज करने का इनको कैसे हमारी बॉडी यूज करे उसमें भी ये हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो होते हैं हमारी बॉडी में बहुत कम क्वान्टिटी में जरूरी होते हैं विटामिन की हमारी बॉडी को बहुत कम क्वान्टिटी में जरूरत, जरूरत होती है दे आर आर थर्टीन विटामिन थर्टीन विटामिन होते हैं ईच ऑफ हैज आपेसिफिक फंक्शन और हर एक विटामिन का अपना एक स्पेसिफिक यूनिक फंक्शन होता है दे आर नोन इनका नाम दिया गया है सम विटामिन आर soluble इन वाटर एंड सम आर soluble इन फैट्स कुछ विटामिन जो होते हैं वो किसमें वाटर में घुल जाते हैं और कुछ विटामिन जो होते हैं वो फैट्स में डिजॉल्व होते हैं सोर्सेस ऑफ विटाम विटामिन के क्या सोर्सेस होते हैं मीट फिश बटर मिल्क फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कॉड लिवर ऑयल कॉड मतलब एक फिश होती है उसका लिवर ऑयल एटसेट्रा आर सोर्सेस ऑफ विटामिन ये सारे जो होते हैं विटामिन के सोर्स होते हैं चलिए लेट्स रीड वन एक्टिविटी टुडे टू टेस्ट फॉर प्रोटीन्स इन द गिवेन फूड सैंपल हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था अब यहाँ पर जो हमारे पास फूड सैंपल है हम कैसे प्रोटीन प्रेजेंट है इस चीज का टेस्ट इस एक्टिविटी से देखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड फूड सैंपल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूएसओ फोर का सोल्यूशन चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड टेस्ट ट्यूब हमें क्या क्या चाहिए फूड सैंपल, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ मेथड हमारा है फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब टेक टू एम एल ऑफ फूड सोल्यूशन हम क्या करेंगे एक ड्राई मतलब सूखी टेस्ट ट्यूब में टू एम एल फूड सोल्यूशन लेंगे एड टू ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड टेन ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शेक बेल हम क्या करेंगे इस इसमें इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें जिस हमने फूड सोल्यूशन लिया है उसमें हम टू ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की और टेन ड्रॉप जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की लेंगे और उसे शेक करेंगे अच्छे से उसे मिक्स करेंगे हिला लेंगे ऑब्जर्वेशन द फूड सैंपल टर्न्स पर्पल और वायलेट जो फूड सैंपल हमने लिया था वो उसका कलर पर्पल या फिर वायलेट हो जाएगा कंक्लूजन चेंज इन कलर ऑफ द फूड सैंपल टू पर्पल और वॉयलेट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन हमारे फूड सैंपल का जो पर्पल या वॉयलेट कलर होना है ये कन्फर्म करता है कि हमारे फूड सैंपल में प्रोटीन प्रजेंट है थैंक यू